गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यस स्टूडेंट, हम जो है सिक्स चैप्टर का कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो पहले हमने जो है अप टू फोर्थ जो है प्रीवियस वीडियो में एमसीक्यूज किए हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ वन। अब हम फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। द थीव्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिच, तो इसमें क्या आएगा आपका बूटी। तो उन्होंने खजाने को जो है देखा। अब देखिए सिक्स, सो ग्रेट वॉज द शॉक दैट ही थॉट ही वुड कोलैप्स। उसको इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उसे लगा कि वो अभी गिर जाएगा। नंबर सेवन, विद हिज हार्ड वर्क एंड गुड बिहेवियर, उसने उसके जो है अच्छा काम और उसके अच्छे बिहेवियर ने रामू गेन्ड मैनी फ्रेंड्स, रामू ने बहुत सारे दोस्त बना लिए। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों, इसका मैं आपको क्या करती हूँ, आपका जो है सिर्फ मैं इसका मतलब बता रही हूँ और आपको समझ के आपको कोशिश करना है रफ कॉपी में करने के लिए, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नंबर वन देखिए, व्हाई डिड रामू नेबर्स नॉट लाइक हिम, रामू का जो उसके पड़ोसी थे उसको क्यों पसंद नहीं करते थे। नंबर टू, वॉट वॉज रामू ऑलवेज अफ्रेड ऑफ, रामू को हमेशा किस चीज़ का डर लगा रहता था। नंबर थ्री, वेयर डिड रामू बरी ऑल हिज मनी, रामू ने अपना सारा पैसा कहाँ दबा दिया। हाउ डिड द थीव्स कम टू नो अबाउट रामूज हिडन ट्रेजर, और जो है चोरों को रामू का छुपा हुआ खजाने के बारे में कैसे पता चला। वॉट डिड रामू डू वेन ही फाउंड दैट द मनी वॉज मिसिंग, रामू ने क्या किया जब रामू को पता चला कि उसका पैसा खो गया है। हाउ डिड द नेबर ट्रीज रामू वैन दे कम टू नो अबाउट द थेफ्ट, जब रामू के पैसों की चोरी के बारे में उसके पड़ोसियों के पता चला तो उसके पड़ोसियों ने उसको कैसे चिढ़ाया। हाउ डिड रामू गेन मैनी फ्रेंड्स, रामू ने बहुत से दोस्त कैसे बनाए। अब देखिए, ये जो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है, आपको ये जो है अपनी रफ कॉपी में करना है, फेयर में नहीं करना है, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर डी देखिए, राइट ट्रू फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रामू वॉज अ वेरी पुअर मैन, रामू बहुत गरीब आदमी था, ये फॉल्स है। रामू ऑलवेज ट्राई टू हेल्प हिज नेबर्स, रामू हमेशा अपने जो है पड़ोसियों की मदद करने की कोशिश करता था, ये भी फॉल्स है। रामू लिव्ड इन एन ओल्ड हाउस इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट गार्डन, और ये जो है डेजर्ट गार्डन के मिडल में रामू जो है एक पुराने घर में रहता था, ये ट्रू है। रामूज नेबर वेर जेलस ऑफ हिज रिचेस, अब रामू के जो पड़ोसी थे उसके अमीरता पे वो चलते थे, ये भी ट्रू है। द थीव्स कुड नॉट फाइंड वेर रामू हैड हिड इन द बॉक्स, रामू जो है चोरों को नहीं पता चला, नहीं ढूंढ सके कि रामू ने कहाँ छुपाया है वो बॉक्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि उसने बाद में ढूंढ निकाला था। रामू नेवर फेल्ट सॉरी ऑन हियरिंग हिज मिसफॉर्चून, रामू के जो दोस्तों को जब उसके साथ घटना जो घटी उसकी बात सुनकर उनको जो है दुख पहुंचा, ये भी गलत है, इट इज फॉल्स। द लॉस ऑफ हिज मनी फोर्स रामू टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, अब जो है जो पैसे उसके खो गए थे उसके अभाव में रामू को दोबारा से काम करने के लिए फोर्स किया, ये ट्रू है। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसमें नेक्स्ट है आपका ही, हु सेड द फॉलोइंग एंड टू हुम, ये वर्ड्स किसने कहे और किसको कहे, ये आप देखिए। अब इसमें देखिए, आई विल कम टू सी यू अगेन इन द मॉर्निंग, ये वर्ड जो है रामू ने कहे थे अपने पैसों को जब बहेड़ करके वो वहां से चलने लगा, तब उसने कहा था कि मैं तुम्हें देखने के लिए दोबारा आऊंगा। वी हैव गॉट अ क्लू, अब ये जो बात है वो चोरों के राजा ने कही थी चोरों से कि हमें क्लू मिल गया है। व्हाई आर यू लैम्पटिंग, अब ये चीज उसके पड़ोसी ने कही थी, नेबर ने कहा था रामू को, यू वॉन अप टू इट, ये वर्ड जो है वहाँ खड़े हुए जो है और जो है लोगों में से एक ने कहा था, वन ऑफ देम टू रामू, यू हैव ऑलवेज सेड दैट यू आर अ पुअर मैन, अनदर मैन सेड टू रामू, सेड बाय अनदर मैन टू रामू, द वेल्थ वॉज ऑफ नो यूज आदर टू
योर ओन टू अस, वो खजाना तुम्हारे किसी काम का भी नहीं था और ना ही हमारे किसी काम का। ये एक थर्ड पर्सन ने कहा था रामू को। इट डिड नॉट गिव यू एनी रेस्ट, इस पैसे ने तुम्हें कोई आराम नहीं दिया। ये ए फोर्थ मैन सेड टू रामू, चौथे आदमी ने रामू से कहा। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही, और दूसरे वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर हैं और जो है कंप्लीट चूज द करेक्ट वर्ड जो है वो दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। सो स्टूडेंट, आप जो है इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।